मनाली है, कश्मीर है और केरल है। लड़कियां गए पाउडर क्रीम छोप लेंगी इतना ढेर सारा। देखो ना बहुत सुंदर लग रही हो, देखना इधर। फैमिली कैसे हो आप सब, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे पति देव का फरमाइश था कि मैं उनके लिए फ्राइड राइस बनाऊं, तो मैं बोली कि बिल्कुल मैं बनाऊंगी। और बोल रहे थे कि हमारी फैमिली जो है इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया हमारा, इसके वजह से हमारा 30,000 फैमिली हो चुके हैं। तो इस खुशी में हम लोग ने बनाया, सॉरी मतलब मैं बनाई हूँ फ्राइड राइस। आप लोग बताइएगा देख के कैसा लगा ये। और सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली में बहुत बारिश हो रहा है कंटिन्यू, तीन चार दिन से बारिश हो रही है। फिर भी गर्मी है, कम गर्मी है लेकिन गर्मी है, तो इसलिए किचन में नहीं बना पाए वीडियो, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ जब फिर कभी बनाएंगे तो पक्का उसका वीडियो ज़रूर डालेंगे। वैसे आप लोग बोलते हैं कि मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, हम लोग का क्या होता है ना, वो ऑफिस चले जाते हैं और मैं अकेले रहती हूँ, तो वीडियो बनाना और स्टेप बाय स्टेप दिखाना एक एक चीज़ का रेसिपी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जब उनका छुट्टी रहेगा तो उस दिन पक्का आप लोग जो बोलेंगे मैं उसका वीडियो बना के रेसिपी डाल दूँगी। तो फैमिली बने रहिए हमारे साथ, जब वो ड्यूटी से आते हैं उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। वो फैमिली लगता है मुझे वो आ गए हैं, आइए देखते हैं। तो जनाब आ गए हैं, मज़ा आया। हेलो फैमिली, आज तो एक घंटे लेट आए ड्यूटी से। क्या बात है, आप भी ब्लैक पहने हो, हम भी ब्लैक पहने, वैसे इनका फेवरेट कलर है ब्लैक। फैमिली बस अभी भी मैं ड्यूटी से आया हूँ, आज काफ़ी लेट हो गया, एक घंटा लेट हो गया। डेली मैं 9 बजे आ जाता हूँ, मैडम बैठी हुई हैं, आज फ्राइड राइस बनाया है इन्होंने, तो मैं बाहर से लाया हूँ पनीर चिल्ली विद ग्रेवी, तो दोनों साथ में खाएंगे। ये बोले थे मैं बना दूँ, तो मैंने कहा आप मत बनाओ, जाने दो, मैं बाहर से लेके आऊँगा, थोड़ा इनका तबीयत आज डाउन है। क्यों जी, है ना? नहीं कुछ ज़्यादा नहीं डाउन है, बस थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, तो बना लिया इन्होंने, हम भी ड्यूटी से आए हैं, बहुत गर्मी है बाहर, देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है, अब अंदर आ गए हैं, थोड़ा पंखा चल रहा है, राहत है। क्यों जी, तो गाइस जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और बता दें, आज हम लोग 30K यूट्यूब फैमिली सेलिब्रेशन करने वाले थे, बट किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं हम, वो भी बता देंगे आपको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज मुझे आज ऑफ नहीं मिला ड्यूटी से, तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ये सब सेलिब्रेशन करने के लिए दिन भर पूरा टाइम चाहिए होता है, और इसलिए मैंने सबको इनवाइट किया था, तो सबको मना कर दिया कि नहीं जिस दिन हमारा वीकली ऑफ होगा उस दिन हम सेलिब्रेशन करेंगे ना, सही कह रहे हैं ना हम। हाँ तो मैंने सबको मना कर दिया, दीदी को जीजा को, कि जब हमारा छुट्टी रहेगा तब तो आप लोग को बुलाएंगे, अच्छे सेलिब्रेशन करेंगे घर पे, एकदम फैमिली एकदम मिल के रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आप लोग भी तनी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एकदम अच्छे से। हाँ मिलते हैं कुछ देर में खाना वाना खा के, बड़ा टेस्टी बनाई है फ्राइड राइस, हमेशा टेस्टी बनाती हैं, थोड़ा खा के मिलते हैं, बहुत पसंद है हमको इनके हाथ का फ्राइड राइस, बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, आज शादी के बाद पहली बार फ्राइड राइस खाने जा रहे हैं इनके हाथ से हम, शादी के पहले खाए थे, अब फर्स्ट टाइम शादी के बाद खाने। हाँ तो मिलते हैं, बने रहिए आप लोग। A few moments later, baby, thank you यार, आपने इतना अच्छा फ्राइड राइस बनाया था, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, इतना खाली खाली, इतना सिंपल सिंपल, थैंक्स बस। क्या तब क्या करें, हम नाचे क्या तुम्हारे लिए, कुछ स्पेशल करें, स्पेशल क्या करें यार, हर दिन तो स्पेशल ही होता है, कुछ जैसे कि कुछ ना कुछ खुश हो गए करो जो करना, क्या करें, नाच दे, नहीं यार प्यार से हग कर लो। अच्छा जी, ड्यूटी चले जाए तब का धकेल रही हो जी, अरे नहीं यार समझा करो, थक गए थोड़ा पैरों दबा दो प्लीज यार, अरे हाँ करो प्यार, अरे मेरा बेबी, मतलब कहीं भी कुछ शुरू हो जाती हो ना।
वैसे ना आज तुम ब्लैक ड्रेस में ना बहुत सुंदर लग रही हो, देखना इधर। ये क्योंकि आपका फेवरेट कलर है ना, इसलिए आप अच्छा बोल रहे हैं। तो हम भी सुबह गाइस ब्लैक ही शर्ट पहन के गए थे ऑफिस, तो वहाँ से आए तो इन्होंने बताया भी कि आज इन्होंने ब्लैक ही पहना है, हम भी ब्लैक तुम भी ब्लैक, लेकिन हमसे अरे तुम अच्छी लग रही हो ब्लैक में। आप लोग को इस वीडियो में ना वीडियो क्वालिटी दो तरह का दिखाई देगा, एक तो इनके फोन से जो थोड़ा वीडियो साफ नहीं आता है, मेरा फोन ना वीवो का है इसलिए थोड़ा कैमरा इसका लो है, और इनका आईफोन है, मेरा आईफोन सस्ता वाला है तो इसमें वीडियो 1 लाख का फोन है इनका, इसमें वीडियो अच्छा आता है। तो बताना चाहिए किसी को क्या होता है, ये हमारी फैमिली है, इनसे नहीं बातें शेयर करेंगे तब किसी करेंगे। अच्छा जी, तो थैंक यू फैमिली, उन्होंने जो आपको रेट बता दिया। नथुनिया पहनी हो क्या? तो फैमिली हमारी शादी को 3 मंथ पूरे होने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो शादी थी ना 16 जून को थी, तो आज 13 सितंबर हो गया है, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर ना जी, 3 महीने होने वाले हैं, हम लोग कहीं अभी घूमने नहीं गए हैं, बड़ी शर्म की बात है, मुझे तो लग रहा है ना, शर्म आ रही है बहुत यार। अब पता है गाइस किसने गए, क्योंकि जब हम लोग शादी किए थे तो उस टाइम लॉकडाउन था, और जैसे ही शादी की वैसे लॉकडाउन खुल गया, तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, शादी जब किए थे लॉकडाउन ही चल रहा था, शादी होने के बाद ही लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे ओपनिंग हो रहा था हर जगह, तो हमने सीधे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, तो मौका नहीं मिला जाने का ना, क्योंकि अब इतने दिन घर पे बैठे थे, और फिर नौकरी ज्वाइन नहीं करते तो नौकरी छूट जाती, तो इसलिए हमने नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो अब सोच रहे कहीं प्लान करते हैं घूमने का। क्या टूट जाएगा? ये मेरा नेल टूट जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। तो सुनो, तो कहाँ चलना है बताओ? अब हमारे फैमिली बताएंगे कहाँ जाएंगे, जहाँ खूबसूरत सा जगह हो। खूबसूरत सा जगह है तो सूरत चलने क्या? मतलब खूबसूरत सा जगह हो, नेचुरली, मतलब सब कुछ अच्छा लगे, जैसे एग्जांपल में मनाली है, वैसे मनाली है, कश्मीर है, और केरल है, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कि लोग हनीमून पे जाते हैं। तो तुम्हारा कहाँ मन है? मेरा नेल तोड़ दिए, हम क्या बताएं? अरे तो तोड़ दिया तो क्या हुआ? पैर का मेरा नेल टूट गया, इन्होंने मेरा नेल तोड़ दिया पैर का। कोई बात नहीं, फिर से आ जाते हैं, प्राकृतिक होते हैं वो, और क्या। तब कहाँ चलोगी? तो गाइस अगर आप लोग के माइंड में भी अगर बात होगा ना तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग अब प्लानिंग कर रहे हैं, हमको जाना है अब, और थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि शादी के बाद हनीमून पे ही जाने जाया जाता है, और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है, क्यों? मेरी ना फ्रेंड लोग बोलती हैं, क्योंकि वो लोग हनीमून पे गई थी ना, मैं नहीं गई थी, तो वो लोग बोलती हैं, दीदी भी मेरी बोलती है अभी तक तुम लोग गए नहीं, मैं बोली लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सिचुएशन अभी सही नहीं है, तो जैसे ही सही होगा तो चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलेंगे जरूर। तो जाने के लिए शॉपिंग भी करोगी? क्या क्या लोगी? मार्केट चलेंगे तब बताएंगे क्या क्या लेंगे। वैसे हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन मंगा लेंगे, यार देखो जाने का टाइम हो ही है नहीं हमारे पास, जो भी सारी चीजें ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ठीक है, जाएंगे तो कुछ तो शॉपिंग करना बनता है, तो कुछ ना कुछ तो लेंगे। हाँ तो कुछ ना कुछ तो जरूरी लेंगे, तो ले लेंगे भाई जो तुमको चाहिए। बहुत सारा सामान लेना है, कितना सारा शॉपिंग करना है, दो बैग दे इन्हीं का सामान हो जाए। हाँ, क्योंकि लड़कियों का बहुत सारा सामान होता है, साड़ी हो गया, चूड़ी हो गया, ब्लाउज, पेटीकोट, मतलब लड़कों का क्या है, पैंट शर्ट ले लिए हो गया खत्म। अच्छा जी, लड़के क्या है ना बहुत सिंपल में रहते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, लड़कियां गए पाउडर क्रीम छोप लेंगी इतना ढेर सारा, और बोलेंगी हम मिस वर्ल्ड है, मिस एक नंबर की, महंगा महंगा जो प्रोडक्ट होता है इसे छाप लेंगी, यहाँ गोरी यहाँ गोरी, हम तो देखो बिना क्रीम के गोरे लग रहे हैं ना। आपको पता है शादी के बाद ये गोरे हो गए, निखर गए। अच्छा शादी बाद निखर गए, पहले के गए थे, मेरा फोटो देखोगे ना बोलोगे आप पहले और ज्यादा स्मार्ट है, और क्या? स्मार्ट हो गए आप, सबको पता है ये जब मिले थे हमसे ना एकदम क्लीन सेफ रहते थे, एकदम सफा चट, अच्छा नहीं लगता था मुझे। और गाइस हम बता दें आप लोग को, हम ना ये रूम भी चेंज करने वाले हैं। क्यों? क्यों रूम ये सही नहीं है यार, यहाँ पे ना बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता है, दीवारें खराब हो गई है ना, यहाँ पे ना वॉल स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे शायद हम लोग से पहले कोई फैमिली रहती थी, बच्चे जो है टैटू बना बना के ए से जेड तक पूरा दीवार पूरा दीवार भर दिए हैं। वॉल स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं, वो लोग पहले से वॉल स्टिकर पे बना के रख चुके हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज बताना हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएं, आप लोग को जो अच्छा जगह लगे जरूर बताना आप लोग, अगर हम डिसाइड करेंगे कि फिर हम कहाँ जाएंगे। अभी फिक्स नहीं हुआ है कौन सी जगह जाएंगे, बट हम प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, बैंक बैलेंस बना लिए हैं, अब जाना पड़ेगा घूमने। जितना भी बनाए सब प्राइवेसी होता है, इसको बताया नहीं जाता। ठीक है तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज एक बार।